बागेश्वर जिले में कोरोना के बढ़ रहे मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनीता टमटा ने टीकाकरण अभियान में तेजी लाने के निर्देश भी जारी किए हैं। यहां बता दें कि बागेश्वर जिले में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि कोरोना गाइडलाइन का लोगों द्वारा पालन नहीं किया जा रहा है। उन्होंने लोगों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने तथा टीकाकरण अवश्य कराने की अपील की है। सीएमओ ने कहा कि टीकाकरण ही कोरोना से बचा सकता है। हमारे जिले में अभी लगभग जो है हमारे कल तो टोटल पांच केस हो गए थे, और ये जो केसेस आए हैं ये हमारे माइल्ड केसेस हैं। खाली हल्का सा सर्दी जुकाम है, कोई ऐसे सीवियर प्रॉब्लम नहीं है जिसके कारण के हमें एडमिट करना पड़े। लेकिन कोविड ये लगातार बढ़ रहा है, जैसे कि आपको पता होगा कि टोटल हमारे पूरे उत्तराखंड में ही जो है लगभग 180-200 करीब केसेस पर डे के आ रहे हैं। तो ये मैं आम जनमानस से कहूँगी कि जो कोविड का जो प्रोटोकॉल है, जैसे कि पहले चल रहा था हमारा, उसको फॉलो करें और मास्क जो है जो अवश्य पहने, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर जो है अगर हम मार्केट में भी निकलते हैं तो कोई भी बहुत ही मतलब less than 10% के जो लोग हैं वो मास्क पहने हुए हैं। तो ये मेरी सबसे गुजारिश रहेगी कि जो प्रोटोकॉल हमारा कोविड का मास्क है और दूरी है और हाथों को धोना है और टीकाकरण बहुत ज़रूरी है। जितने भी लोगों का छूट गया है सेकेंड डोज है और जो प्रिकॉशनरी डोज है और बच्चों की जो हमारी सेकेंड डोज है, स्कूल वाले जो प्रोग्राम हमारा चल रहा है, स्कूलों में जो कैंप चल रहा है, तो मेरी ये गुजारिश रहेगी कि जल्द से जल्द हमारा जो टीकाकरण अभियान है वो पूर्ण हो जाए ताकि हमारी इम्यूनिटी बनी रहे। जैसे कि हमारा तीसरी लहर में भी मेरे लगभग 2000 केसेस हमारे पॉजिटिव आए थे, लेकिन ये बहुत बड़ी ये रही उपलब्धि कि यहाँ कोई एडमिट नहीं रहा और कोई सीरियस नहीं हुआ मरीज और कोई किसी की डेथ नहीं हुई। तो मैं यही चाहती हूँ कि ये वेव भी हमारी ऐसी निकले हल्की फुल्की में, और ज़रा सा ये है कि एहतियात हमने ज़रूर बरतना पड़ेगा और COVID-19 प्रोटोकॉल ज़रूर फॉलो करें। CCN न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, बागेश्वर।